हेलो दोस्तों, आज अगेन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं शाह मेटाकॉर्प लिमिटेड से रिलेटेड। शाह मेटाकॉर्प की अगर बात करूँ तो 3 रुपए 90 पैसे के आसपास ये शेयर चल रहा था। उस टाइम मैंने इस शेयर को बारे में यहाँ पर बताया था। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो 1 मिनट यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि शाह मेटाकॉर्प 2 महीने पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी। 300% के मैंने यहाँ पर टारगेट दिए थे। 4 रुपीज का ये पेनी स्टॉक, 4 रुपए लिखा था बट 3 रुपए 90 पैसे के आसपास ये स्टॉक्स था, ठीक है। और वहां से देखोगे तो अभी ये इसका हाई कितना बना है, इसका 7 रुपए 40 पैसे, लगभग 60 से 80% तक की यहाँ पर तेजी होती हुई नजर आई 2 महीने के अंदर अंदर। तो देखिए, पैसे कैसे बनाए जाते हैं। पैसे इसी तरीके से बनाए जाते हैं जिस तरीके से हम यहाँ पर आपको बताते हैं, सिखाते हैं, है ना, अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। और उसी तरीके से आपको कभी भी जब मार्केट गिरती है तब भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको जब मार्केट ऊपर जाती है तो फिर आपके पैसे बनते ही बनते हैं। तो आप अगर सीरियस है स्टॉक मार्केट में, आप चाहते हैं कि आप परफॉर्मेंस करें, कि हम यहाँ पर जिस तरीके से स्टॉक्स को देते हैं और वो स्टॉक्स अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, पैसे बनाते हुए नजर आते हैं, उसी तरीके से आप भी काम करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को, ताकि वीडियोस मिलती रहे। वीडियोस मिलेगी तो सीखने का मौका मिलेगा। बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके लिए पेश की गई है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ पर हम खुल के नहीं कर पाते, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक्स टू एडवांस यहाँ पर कोर्स हम सिखाते हैं। टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल, कब लेना चाहिए, कब बेचना चाहिए, क्या होता है स्टेज 1 2 3 4, कैसे शेयर भागते हैं, कैसे शेयर गिरते हैं, वो आपको सब कुछ पता चलती हुई नजर आएगी। 25,000 रुपए का कोर्स है। 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग स्ट्रेटेजी यूज इन स्टॉक मार्केट ऑनलाइन नोट सब कुछ दिया जाता है यहाँ पर। इन नंबरों पर 8860540501, 8169261037 दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए। बेसिक्स टू एडवांस हमारा कोर्स, और साथ में काम करना है तो भी इन नंबरों पर नोट करके काम कर लीजिए, है ना, आपको हमेशा ही फायदा होता हुआ नजर आता हुआ दिखाई देगा। तो शाह मेटाकॉर्प ऑलरेडी पैसे बना चुका है, बट वीडियो बनाने का मकसद क्या है? वीडियो बनाने का मकसद है कि शायद ये स्टॉक, जैसे कि अभी तो मैंने टारगेट दिए थे 300%, तो वो 300% भी हिट हो सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशंस हमेशा मैटर करेगी, है ना। तो मैं आगे चल के एक बार इसके रिलेटेड दोबारा बता देता हूँ कि क्या है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, मैन्युफैक्चरर एंड सेल्स डाइवर्स रेंज ऑफ SS प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, स्टेनलेस स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ये बेचते हुए नजर आते हैं, जैसे कि बार्स हो गए, माइल्ड स्टील्स हो गई, है ना, ये इन सभी चीजों से रिलेटेड इस पर्टिकुलर कंपनी का काम है। और एक्सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं अफ्रीका, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, है ना, अच्छा खासा कंपनी यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। राइट इशू भी यहाँ पर बीच में लाते हुए नजर आए थे। और बात करें इस पर्टिकुलर कंपनी की, तो एक बार इनकी वेबसाइट पर जाइएगा, आपको पूरा एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा, इनके बारे में पता चलती हुई नजर आएगी, इनके क्लाइंट्स के बारे में पता चलती हुई नजर आएगी, है ना, यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स कौन से हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो सब चीज़ आपको एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा। जाके एक बार देख लीजिए तो आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंपनी से रिलेटेड। देखिए, मार्केट कैप देखिए तो 281 करोड़। जब 281 करोड़ मार्केट कैप की बात करूं तो दो चीज हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले माइक्रो कैप शेयर है, स्मॉल कैप से भी छोटा है, और हमारी एक्सपर्टीज ही इन्हीं शेयरों में है। यहाँ पर देखिए, हमारे इसलिए नाम भी स्मॉल कैप है। दूसरा, जब ऐसे शेयरों की बात करूं तो रिस्क को हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब शेयर भागते हैं तो इसी तरीके से भागते हैं कि पैसे यहाँ पर बहुत मल्टीपल में बनते हुए नजर आते हैं, बट जब गिरते हैं तो वो सारे के सारे पैसे आपसे छीन भी लिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे ये शेयर 11-12 रुपए पे चलता था, उसके बाद ये शेयर कितने रुपए पे आ गया, उसके बाद ये शेयर आपका 1-2 रुपए के आसपास आ गया। तो इस चीज को क्या है, आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, सही टाइम पे लेना होगा, सही टाइम पे बेचना होगा, तभी जाके पैसे ऐसे शेयरों में बनेंगे, अदरवाइज आप पैसे नहीं बना पाओगे। इस चीज को याद रखिएगा और आप फंसते हुए नजर आओगे, और वो ही चीज हम अपने इस कोर्स में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक पी की बात करें, 54 का इंडस्ट्री पी 25 का है। तो देखिए, यहाँ पर स्टॉक पी ज्यादा दे रखा है, बट ज्यादा दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है बेकार है, ठीक है, और पी के बेस पे कभी काम नहीं करना, है ना। पी बट ये पी अलर्ट कर देता है हमें कि हाँ हमें अलर्ट रहना है, बट पी हमें डिसाइड नहीं कर पाता कि हाँ कि निकल जाना है, है ना, कि यहाँ से अब और तेजी नहीं होगी, ऐसा कोई भी यहाँ पर फैक्टर नहीं है, इस चीज को भी हमेशा याद रखिएगा। सेल्स ग्रोथ देखिए अच्छी खासी है, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर का वो देखिए 10% है। यहाँ पर आप देखेंगे और चीज, तो डेट की बात करें 64% के आसपास का डेट भी है। रिटर्न ऑन एसेट अच्छा खासा आता हुआ दिखाई देता है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर देखिए 8 के आसपास है, उसी के आसपास शेयर चल रहा है, अभी भी नीचे ही है, बल्कि फेस वैल्यू 1 की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है क्योंकि छोटी कंपनी है ना,
ना, और बुक वैल्यू यहाँ पर 1.37 की है। तो ओवरऑल हम देखें तो सब कुछ यहाँ पर थोड़ा बहुत ठीक नजर आता है। आगे हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, तो यहाँ देखिए कंपनी क्या है, बैक टू बैक परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। कहाँ 5 करोड़ रुपए की सेल्स थी, धीरे 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 करते हुए जो सेल्स है हाईएस्ट एवर 46 करोड़ रुपीस, पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर सेल्स आ गई है ना। तो अच्छी कंपनीज की पहचान ये है कि कंपनी परफॉर्म करती है, दूसरी बात है ना, और ऐसी ही कंपनी फिर चलती हुई भी नजर आती है। और ऐसी यहाँ पर आप देखेंगे और चीजें, तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंस थोड़े से इस बार ज्यादा हुए, जिस वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टिल हाईएस्ट एवर है ना पिछले 12 क्वार्टर में। और मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी आप देखेंगे जहाँ पर घाटा था एक साल पहले वो भी सुधरता हुआ नजर आया, क्वार्टरली बेस पर भी सुधरते हुए नजर आए। यहाँ पर अदर इनकम थोड़ी ज्यादा है, इस वजह से इनका नेट प्रॉफिट है वो ज्यादा आता हुआ दिखाई दिया। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस एकदम बेहतरीन है, बट स्टिल आज की डेट में 5% का डाउन साइड सर्किट लगता हुआ नजर आया है ना। तो इसके अगेंस्ट में हमें करना क्या है, उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा और ब्रीफली यहाँ पर बातें करेंगे जब चार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कंपनी का परफॉर्मेंस तो बिल्कुल आप देखेंगे तो डल होता हुआ नजर आया, बट 2021 के बाद से धीरे धीरे सुधर भी रहा है, ठीक है ना। तो जब ऐसा सुधरता हुआ नजर आता है तो फिर वो क्या है, एकदम बॉटम बन जाता है, और फिर बॉटम बनने के बाद चीजें क्या है दोबारा ऊपर जाती हुई नजर आती है। और अगर परफॉर्मेंस दोबारा इधर तक पहुंचता है या इससे ज्यादा आता है तो शेयर को आप देखोगे कि शेयर और ही किसी दुनिया में चलता हुआ नजर आएगा। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व जो बीच में घाटे में आ गए थे अब दोबारा पॉजिटिव आ गए। कंपनी के उधारी की बात करें तो यहाँ देखिए जो बोरिंग लगभग 80-90 करोड़ रुपए के आसपास की हुआ करती है वो 37 रह गई है, ये एक पॉजिटिव फिगर है। इसी वजह से आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट था जो अभी क्या है जीरो देती हुई नजर आ रही है क्वार्टरली बेस पे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कंपनी से रिलेटेड, यहाँ पर और ज्यादा जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं। स्प्लिट की बात करें 2016 में स्प्लिट भी हुआ है, राइट इशू की बात करें 2022 में राइट इशू भी आया है ना। वर्किंग प्रोग्रेस में कुछ खास पैसे लगे नहीं हुए। यहाँ पर कैश की बात करें, कैश भी यहाँ पर कंपनी का खत्म होता हुआ नजर आया, कैश यहाँ पर शायद कंपनी ने यूटिलाइज कर लिया है सारा का सारा डेट एट चुकाने में। तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि डेट अच्छी तरीके से चुकाया भी गया है, जो कि पॉजिटिव फिगर ही है कि कंपनी काम करना चाहती है, ऐसा नहीं कि कंपनी यहाँ पर भागना चाहती है, ठीक है। और चीजों की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर देखिए 36.18% की है, एज इट इज बनी हुई है पिछले 2-3 क्वार्टर से। पब्लिक की बात करें, पब्लिक का 63% की होल्डिंग है, बट 63 में भी देखोगे तो काफी कुछ HNIs ने अच्छे खासी यहाँ पर होल्डिंग लेके रख रखी है। और यहाँ पर चीजों को देखा जाए तो यहाँ पर और चीजों को देख लीजिए है ना, यहाँ पर अगस्त में भी यहाँ पर आप देखिए प्रेफरेंशियल इश्यूज हुए, उसमें अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पर बाई करते हुए नजर आया है लोग। तो यहाँ पर क्या है, ओवरऑल आप देखोगे ओवरऑल सब कुछ अच्छा नजर आता है, फंडामेंटली काफी साउंड नजर आता है। अगला क्वार्टर की बात करें तो अगला क्वार्टर अगेन कंपनी का अच्छा आता हुआ दिखाई दे सकता है, और अगर ये दोबारा कंपनी अगर परफॉर्मेंस करेगी तो ऑब्वियसली बात है पैसे बनने ही है, पैसे कहीं नहीं जा रहे कि पैसे नहीं बने। चार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे, चार्ट क्या कह रहा है, कहां तक नीचे आ सकता है, फिर कहां से बाउंस बैक हो सकता है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल को नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिएगा ताकि यहां पर आप सीख सके, और यहां पर इन नंबरों को नोट करके कोर्स करिए, साथ में काम करिए ताकि चीजें आपको समझ में आए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चार्ट से रिलेटेड की चार्ट क्या कह रहा है। देखिए अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी जहां पर पूरा मार्केट ऊपर था, यहां पर ये शेयर नीचे आता हुआ दिखाई दिया है 5%, ठीक है ना। बट याद रखिए चीजें जब एक बार महंगी हो जाती है ना, ओवरबॉट जोन में चली जाती है, यहां पर हम देखें तो ये शेयर ओवरबॉट जोन में चला गया था। जब इस तरीके की ओवरबॉट जोन में चला जाता है ना तो उसके बाद चीजों को गिरना ही होता है, फिर वो परफॉर्मेंस कैसे भी करे, ठीक है ना। और फिर अगर उसके बाद ही भाग रहा है तो फिर हमेशा डर का माहौल रहता है। तो ओवरबॉट जोन में चला गया था, अब धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, 6 रुपए के आसपास ये आ सकता है, ठीक है। 6 रुपए से लेके अगर मैं यहां पर बात करूं तो 5 रुपए तक, 5.5 रुपए तक ये शेयर आता हुआ दिखाई दे सकता है, और वहां पर एक बार दोबारा यहाँ पर पैसे लगाने के बारे में आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है ना। और 5.5 रुपए के आसपास ये शेयर आ सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा। बट मेरे कहने पर और किसी के कहने पर बाइंग नहीं करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करना है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर बाई करना है। और उसके बाद जो टारगेट की हमने बातें करी थी, तो टारगेट की हमने बातें करी थी कि शेयर यहाँ पर 300% तक यहाँ पर जा सकता है। तब ये 3 रुपए पे था, तो हमने 300% की बातें करी थी, अभी ये 6 रुपए के आसपास है, ठीक है। और ये शेयर लगभग 5 रुपए 5.5 रुपए तक आता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ से डबल मान के चलिए, ठीक है, यहाँ से भी डबल मान के चलिए लगभग 12-13 रुपए 11-12 रुपए का जो इसका हाई लेवल था वो टारगेट अभी मान के चलिए। बट कंडीशन हमेशा मैटर करेगी, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो वो अचीव होगा ही होगा, नहीं भी हो सकता,
ठीक है ना। तो इसलिए अपने हिसाब से, अपने फाइनेंशियल के हिसाब से, फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से खुद की स्टडी करके आपको उस तरीके से आपको एनालाइज करना है कि आप वहाँ पर किसी के कहने पर नहीं, खुद की स्टडी करके यहाँ पर उस शेयर को बारे में अच्छे एनालाइज करके पैसे बना सके। तो मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है थोड़ी सी गिरावट, उसके बाद दोबारा बाउंस बैक। बाकी आप वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।